रिलेशन भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए? एएमसी सेंटर में, आर्टलरी सेंटर में, पैरा रेजिमेंट सेंटर में, कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में। तो दोस्तों ऐसे तमाम सेंटर हैं और हमसे भाई पूछ रहे हैं कि भाई हमें कौन कौन से सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल UHQ रिलेशन आर्मी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिलेशन भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए जिससे आपको भर्ती से बाहर ना किया जाए। आज इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो क्लियर कर देंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए। और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कौन कौन से सेंटर में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। और कौन कौन से सेंटर में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो नेगेटिव है वो लेके जाने चाहिए, कितने दिन पहले की होनी चाहिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड बटन है नीचे उसको प्रेस कर देना। आपको हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे रिलेशन भर्ती से रिलेटेड। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है दी कॉमेडी जंक्शन, आपको साइड में चार्ट शो हो रहा है, यूट्यूब चैनल है मेरे बड़े भाई का लगा लो, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। जो भाई कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करता है, इस चैनल पर आगे चल के आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप रिलेशन भर्ती के लिए जाते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए। दोस्तों वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए रिलेशन भर्ती में, तो यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट के साथ बता देता हूँ कि आपको अब नए तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको अब रिलेशन भर्ती में जाने से पहले अपना जो कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है। जो भी चार्ट आता है किसी भी रिलेशन भर्ती का, उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि आपको 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 14 दिन पहले की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, कौन सी नेगेटिव। ये तो दोस्तों हर सेंटर में हो चुका है कि इस टाइम 2020 में जो आपकी नवंबर दिसंबर में भर्ती होने वाली है, और कुछ देख दो भर्ती ऐसी जो जनवरी में स्टार्ट होंगी, तो उनमें दोस्तों आपको यहाँ पर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके जानी अनिवार्य है। ये तो हर किसी सेंटर में है, ठीक है, हर किसी सेंटर में आपको ये लेके ही जानी चाहिए। अब दोस्तों कौन कौन से सेंटर में ऑनलाइन प्रोसेस है ये भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपका एक तो AMC सेंटर हो गया, एक दोस्तों आपका आर्टलरी सेंटर हो गया, और दोस्तों एक फ़िलहाल ही आपका 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में है, हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, उसमें भी दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस है आपका, ठीक है। आपको एक प्रेस वीडियो में आपको बता देंगे कि उसमें आपको कैसे ऑनलाइन प्रोसेस करना है पर। और दोस्तों एक आपका आपका जो आर्मन क्रॉम सेंटर है उसमें भी दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें दोस्तों बच्चों को और हमें भी नहीं पता चला था कि उसमें ऑनलाइन प्रोसेस है या नहीं है। अब सेंटर की ओर से नोटिफिकेशन निकला है कि चिंता की बात नहीं है, जिन भाइयों ने यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी भर्ती देख सकते हैं, वो भी भर्ती के लिए आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं किया वो भर्ती के लिए नहीं आएंगे, तो वो सेंटर की ओर से नोटिफिकेशन निकला है, आप चिंता ना करें, आप भर्ती के लिए जा सकते हैं, वो आपको भर्ती देखने देंगे। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने चाहिए। दोस्तों आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, और दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ऐसे तो मैं आपको दोस्तों बता नहीं सकता, जितने भी आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी बैंक की पासबुक, डिस्चार्ज बुक, तो आपको मैं एक वीडियो बता देता हूँ, यहाँ पर साइड में शो हो रही है, ये वीडियो को आप ज़रूर देखना, इसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से बताया है कि जॉइनिंग के समय आप कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, और यही जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बताऊंगा, आपको एक एक डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा कि हम जब रिलेशन भर्ती के लिए जाते हैं तो हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी क्लियर दिखेगा, आप देख सकते हैं कि अनमेरिड है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, या दोस्तों फैमिली डिटेल है, या 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, और आपका बैंक की पासबुक है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। अगर आपके नाम में दिक्कत है तो हमें किस प्रकार से जो करेक्शन करवाना है वो मैंने इस वीडियो में सब कुछ अच्छे तरीके से आपको समझाया है। पर ये वीडियो मैंने बनाई थी कि जॉइनिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, तो आपसे उम्मीद करूंगा जिन डॉक्यूमेंटों के बारे में मैंने आपको बताया है और इस वीडियो में बताया, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लास्ट में वीडियो के एंड में भी ये वीडियो आपको दिखेगी, तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा।
हम जब भर्ती के लिए जाते हैं इस टाइम तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए और कौन कौन से नहीं लेके जाने चाहिए और कौन कौन से किस प्रकार से बनवाने चाहिए, आपको उस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आज हमने जो लाइक कैम रखा है उसे कंप्लीट करवा देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए रिलेशन भर्ती, ओपन भर्ती, टीए भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लंबे समय तक हमारा चैनल चलेगा। और हमारे नए यूट्यूब चैनल जो हमने आपको लिंक बताई है, दी कॉमेडी जंक्शन यूट्यूब चैनल है बड़े भाई का, उसको भी प्यार देना, सपोर्ट करना, जो भाई कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।